प्रीवियस क्लास हमने हमारा जो टेंस है, टेंस वाला जो चैप्टर है या टॉपिक है वो हमने शुरू कर दिया था। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टेंसेस। सबसे पहले हम कर रहे थे कौन सा टेंस किया था हमने कल? प्रेजेंट टेंस शुरू किया था। कौन सा टेंस शुरू किया था? प्रेजेंट टेंस। और मैंने आपको बताया था कि हर जो टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सबके चार चार टाइप होते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम फिलहाल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की बात करें, ठीक है? सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है हमारा दूसरा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। और लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जिसमें जो कार्य, जो कोई भी काम है, दैट वर्क हैड बीन स्टार्टेड नाउ, और वो आगे भी क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? आगे भी क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। जैसे इन जो ये जो जितने भी शब्द होते हैं या ये जो वाक्य हैं जो जिस किसके अंदर आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आते हैं, उनकी पहचान ये होती है कि उनमें लास्ट में क्या लगा होता है? रहा है, रही है, रहे है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। वह बाजार जा रही है। वह बाजार जा रही है। तो ये किसका टेंस हो गया? लास्ट में आप देखिए क्या पहचान इसकी? रही है। तो रही है मैंने आपको कल बताया था कि चार टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए आज सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? जो कि किसमें बनते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? पॉजिटिव। प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। आई एन जी जो फॉर्म है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मान लीजिए अगर वॉक है तो वॉक में अगर हमने आई एन जी छोड़ी तो क्या बन गया? वॉकिंग। क्या बन गया? वॉकिंग। इस तरीके से हम आई एन जी लगाते हैं। और आई एन जी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है, ना कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लगती है। इट ऑलवेज
वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, राइट? एंड इसके बाद आ जाता है ऑब्ज, ठीक है? अब सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वह, और रही है तो क्या हो गया, शी। अब इस किसके साथ आता है, इज आता है सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन। एम आई का फ्रेंड होता है, एम को आई के अलावा कोई पसंद नहीं होता, तो वो किसके साथ होता है, हमेशा आई के साथ आता है। और आर क्या आता है, प्लूरल यानी बहु वचन के साथ, ठीक है? तो वह क्या है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, शी इज। जाने की क्रिया होगी तो क्या बोलेंगे, गो, गो भी क्या लगाएंगे, आई एन जी। कहां जा रही है, बाजार, टू द मार्केट। कहां जा रही है, शी इज गोइंग टू द मार्केट। कहां जा रही है, मार्केट जा रही है, ठीक है? अगर यहां पर आई होता तो आई के साथ आता, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये हो गया आपका एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। अब हम बनाएंगे नेगेटिव। क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसमें नॉट लगा हुआ होता है। वह बाजार जा रही है, वह बाजार नहीं जा रही है, क्या नहीं जा रही है, बाजार नहीं जा रही है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से होगा, शी इज, इसके बाद आएगा नॉट गोइंग टू द मार्क, ठीक है? इसको लिख लीजिए फटाफट से, रूल्स, राइट डाउन दी रूल्स। Going
मार्केट क्वेश्चन मार्क दो तरीके से बन गया, एक तो बन गया हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से, एक बनेगा डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं, हू, वेयर, व्हाई, व्हेन, है ना, हाउ, पूरी डब्ल्यू एच फैमिली एक से, तो इनसे भी बन सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। In that sentence. That's all for today.